जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान विच सिखां नूं मिल रही धमकियां दा लिया नोटिस। G20 सम्मेलन लई भारत नहीं आउणगे रूसी राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन। बठिंडा दे गुरद्वारा साहिब विच होई चोरी। तख्त श्री दमदमा साहिब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने रावलपिंडी विच सिखां नूं भेजियां धमकियां भरियां चिट्ठियां दा गंभीर नोटिस लिया है। उन्हां भारत ते पाकिस्तान दीआं सरकारां नूं पाकिस्तान विच रह रहे सिख परिवारां दी सुरक्षा लई लोड़ींदे कदम चुकण लई कहा है। जथेदार ने कहा कि रावलपिंडी अते पंजा साहिब विच सिख परिवारां नूं धमकी भरे पत्र मिले हन, जिस विच उन्हां नूं जां तां इस्लाम कबूल करन जां पाकिस्तान छड्डण दी हिदायत दित्ती गई है। सिख परिवारां विच डर अते सहम दा माहौल पैदा हो गया है। 30 साल पहला अफगानिस्तान के काबुल कंधार अते वजीराबाद विच अजिहे परिवार सन जो उत्थों दे इतिहासक गुरु घरां विच सेवा करदे सन। कुछ समां पहलां सिखां नूं चुण चुण के मार दिता गया सी, इसलिए वह हिजरत करन लग पए सन। हुण अफगानिस्तान विच सिर्फ 5 तों 7 सिख परिवार रह गए हन। उन्होंने कहा कि इन्होंने घटनावां तो बाद पाकिस्तान विच भी सिखां दा कतलेआम शुरू हो गया, जिस कारण बहुते सिख परिवार पाकिस्तानी पंजाब विच पंजा साहिब लाहौर अते ननकाणा साहिब चले गए। उन्होंने कहा कि यह चिट्ठियां भेजण वालियां नूं तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने गुरुद्वारा कमेटियां नूं भी अपील की है कि वह अपनी अपन सरकारां ते पाकिस्तान विच सिखां दी सुरक्षा लई कदम चुकण लई दबाव पाउण। अज तो 30-35 साल पहला अफगानिस्तान दे विच काबल दे विच कंधार दे विच वजीराबाद दे विच कोई 1-1.5 लाख सिख जिहड़ा है वह वास करदा सी। ये अफगानिस्तान के इतिहासक गुरुद्वारों की सेवा संभाल होंदी सी। उत्थे माहौल खराब होया, सिखां दी टारगेट किलिंग की गई, बहुत सारे सिख जिहड़े है वह अफगानिस्तान दे विचों निकलने शुरू होए ते अज उत्थे 5-7 परिवार बाकी रह गए। फिर पाकिस्तान दे KP दे विच सिखां दा कतल जिहड़ा है करन दा सिलसिला शुरू होया। सिख पेशावर तो या KP दे इलाके तो पाकिस्तानी पंजाब दे विच आके वसने शुरू होए, पंजा साहिब दे विच आके वसे, ननकाणा साहिब दे विच आके वसे, लाहौर दे विच आके वसे ते सिखां ने अपने कारोबार स्थापित किए। ते हुण 2-3 दिन पहला फिर रावलपिंडी दे अंदर पंजा साहिब दे अंदर सिखां नूं धमकियां भरे पत्र जिहड़े है वह मिले ने, जिहदे विच उन्हां नूं कहा कि जां तां तुसीं मुसलमान बन जाओ ते जां तुसीं फिर इस पाकिस्तान नूं छड्ड के चले जाओ। मैं समझदा कि यह बहुत मंदा ते भैड़ा जिहड़ा है वह वर्तारा है पाकिस्तान सरकार नूं सिखां दे मान दी, सिखां दे जान दी, सिखां दे माल दी राखी करनी चाहीदी है और भारत सरकार नूं भी दखल अंदाजी इस मामले दे विच करनी चाहीदी है। बाहर साड़ियां जिहड़ियां गुरुद्वारा कमेटियां जां संस्थावां ने उन्हां नूं भी अपने अपने मुल्कां दीआं सरकारां नूं कहना चाहीदा कि पाकिस्तान दे अंदर घट गिणती दे विच रह रहे सिखां दी जिहड़ी है वह जन माल दी राखी जिहड़ी है वह जरूर की जाए। धमकियां भरे पत्र जिहड़े ने सिखां नूं परेशान करदे ने, कारोबार दे विच रुकावटां पैंदियां ने, परिवार सहमदे ने, बच्चे सहमदे ने, तो इस किस्म के शरारती अंसरां नूं नत्त पाई जानी जिहड़ी है बड़ी जरूरी है। तो मैं फिर एक बारी पाकिस्तान सरकार नूं भी अपील करदा कि वह इहो जे अंसरां नूं नत्त पावे, सिखां दी जान माल दी राखी जिहड़ी है उहनूं यकीनी बनावे। भारत सरकार भी जिहड़ा है वह दखल अंदाजी करके सिखां दी जिहड़ी है जान माल दी राखी दे लई अगे आवे। ये वर्तारा जिहड़ा है जो भी ये धमकियां भरे पत्र देन दा पाकिस्तान दे विच चलिया रावलपिंडी दे विच जां पंजा साहिब दे विच ये बेहद मंदभाग है और निंदा योग है। रूस दे राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन अगले महीने नवी दिल्ली विच होण वाले G20 सम्मेलन विच हिस्सा लैण लई नहीं आउणगे। रूसी राष्ट्रपति दे बुलारे ने ऐलान किया है कि पुतिन भारत विच होण वाले G20 समागम विच हिस्सा लैण दी योजना नहीं बना रहे हन। उन्होंने कहा कि पुतिन दे भारत ना जाण दा कारण स्पैशल मिलिट्री ऑपरेशन है। रूस ने यूक्रेन विच चल रही जंग नूं विशेष फौजी कार्रवाई दा नां दिता है। पुतिन सरकार ने यह ऐलान अजिहे समय किया है जदों रूसी राष्ट्रपति के खिलाफ बगावत करने वाले वैगनर चीफ की जहाज हादसे विच रहस्यमई ढंग नाल मौत हो गई है। इस तो पहला रूसी राष्ट्रपति गिरफ्तारी की धमकी के तहत दक्षिणी अफ्रीका विच हाल ही विच होए ब्रिक्स सम्मेलन नूं छड़ गए सन। आखिरी बार रूसी राष्ट्रपति ने साल 2019 विच ओसाका विच G20 सम्मेलन विच हिस्सा लिया सी। पुतिन ने साल 2020 विच रियाद विच अते साल 2021 विच रोम विच शिखर सम्मेलन विच शिरकत कीती सी।
पुतिन ने साल 2020 विच बाली विच आयोजित G20 देशां दे सम्मेलन विच हिस्सा नहीं लिया सी। उन्होंने अपनी थां विदेश मंत्री सरगेई लावरोव नूं भेजिया सी। हुण पुतिन सितंबर विच दिल्ली विच होण वाले G20 सम्मेलन च हिस्सा नहीं लैणगे। इस सम्मेलन विच अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तों लैके दुनिया भर दे दिग्गज नेतावां दे आउण दा प्रोग्राम है। जे पुतिन G20 विच शामिल हुंदे तां पछमी देशां दे नेतावां नूं उन्हां नूं घेरन दा चंगा मौका मिल जांदा। इन्ना ही नहीं, भारत लई वी अणसुखावीं स्थिति पैदा होण दा खतरा बणिया होया सी। बठिंडा दी बिरसाल बस्ती स्थित गुरुद्वारा साहिब विच बीती रात चोर गोलक चो नकदी चोरी करके फरार हो गए। चोर खिड़की राही अंदर दाखिल हुए सन। यह सारी घटना गुरुद्वारा साहिब विच लगे CCTV कैमरे विच कैद हो गई। मामले की शिकायत थाना सदर नूं दे दित्ती गई है। गुरुद्वारा साहिब दे ग्रंथी सिंह ने दस्सिया कि जदों उस सवेरे 4 बजे दे करीब गुरुद्वारा साहिब पहुंचे तां खिड़की खुली हुई सी अते अंदर गोलक डिगी पई सी। जदों उन्होंने CCTV कैमरिया वाले लड़कियां नूं बुला के फुटेज चैक कीती तां पता लग्या कि 2 लड़के गुरुद्वारा साहिब अंदर दाखिल हुए हन। वो गोलक तोड़ के सारे पैसे कपड़े विच बन के भज गए। 5 बजे आए हैं इतने गुरु घर, 5:10 से जो जंदरा खोलिया जी, गेट मेन खोलिया, इधरले पास एक विंडो बारी सी जी, वो बारी खुली पई सी, पन्नी भी हैगी। उस तो बाद परला नाल बार है जी, वो भी खुला पया सी, गोलक खड़ी हुई पई सी, गोलक तोड़ी हुई है जी। फिर मैं पता लगा नाल दे नाल, मैं पड़ोसियों ने इन्हों बुलाया, फिर साढ़े सरपंच साहब साबका सी अमर सिंह, उन्होंने परिवार को बुलाया, एक मुंडा होर है जी उन्होंने असी बुला के लिया, साढ़े कैमरे देख रेख करता जी। उन्हें चैक किए, 2 बंदे बारी के उतरे जी, चपला पाइया भी सी, नंगे सिर सीगे, अंदर वड़न सार उन्होंने एक कोना पिया सी, वह चक्का एक कपड़ा सीगा वाइट चिट्टा देख वाला, वह सिर पर बन्या जी, बन के उन्होंने उस तों बाद गोलक खड़ी करी है जी। गोलक नूं भन के एक लिफाफा पिया सी, उस लिफाफा चक के वह भरन लगे पैसे, वो तकरीबन मेरे हिसाब न 1 साल 1 महीने का कैश सीगा गोलक दे विच जी, 40-45 हज़ार रुपया होना जी, ते उहदे पंड बन के लै गए जी, उत्तों कंधां दा छाल मार के चले गए। दूजे पासे पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित वल्लों पंजाब विच राष्ट्रपति राज लागू करवाउण ते आप आगू मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि राजपाल नूं मर्यादा कायम रखनी चाहीदी है। पंजाब दी सरकार 3 करोड़ लोकां ने चुनी है ते सरकार संविधान दे मुताबिक ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजपाल वल्लों राष्ट्रपति राज लागू करन दी धमकी दर्शाउंदी है कि भाजपा दा एजेंडा राजपाल दे बुल्लां ते है। मैं राजपाल नूं कहना चाहुंदा हां कि जे राष्ट्रपति राज लगाउणा है तां भाजपा मणिपुर विच लगावे, जिथे कतलेआम ते लड़कियां नाल बलात्कार हो रहा है। राजपाल लोकां वल्लों चुनी हुई सरकार दे कम्मां विच दखल अंदाजी ना देण। मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि राजपाल भाजपा दे बुलारे वांग काम कर रहे हैं, ये देश दे लोकतंत्र अते संविधानक सिद्धांतां दे विरुद्ध है। कांग्रेसी आगू राहुल गांधी ने सरहदा मुद्दा चुकदिया कहा कि लद्दाख विच हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने साडी जमीन ते कब्जा कर लिया है, अते दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस गल ते जोर देना कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी की यह टिप्पणी अजे समय आई है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विचकार बुधवार को जोनबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मौके गलबात हुई। एक गलबात तो पहला तय रस्मी दुवली बैठक नहीं सी बल्कि गैर रस्मी सी। लद्दाख के अपने 9 दिन दौरे के आखिरी दिन इतने एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपने मोटरसाइकिल से पिछले हफ्ते पूरे लद्दाख का दौरा किया। लद्दाख एक रणनीतिक स्थान है, जदों मैं पेंगोंग झील खेत्र सी, यह स्पष्ट सी कि चीन ने 1000 किलोमीटर भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। बदकिस्मती नाल प्रधानमंत्री मीटिंग दौरान बयान देंदे हन कि साडी जमीन का 1 इंच भी नहीं खोया गया, जो कि बिल्कुल झूठ है। उन्होंने दोष लाया कि लद्दाख का हर व्यक्ति जानता है कि चीन ने साडी जमीन खोली है अते प्रधानमंत्री सच नहीं बोल रहे हैं। यह दूजी बार है जदों कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने लद्दाख की अपनी यात्रा दौरान चीन सरहद का मुद्दा उठाया है। पिछले एतवार गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कि चीन ने लद्दाख की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है सच नहीं है। मई 2020 पूर्वी लद्दाख में सरहदी विवाद शुरू होने तो बाद भारत और चीन के संबंधों में तनाव पैदा हो गया सी। पूर्वी लद्दाख में कुछ थावां ते रेड़का कायम है, भावें कि दोवां धिरां ने व्यापक कूटनीतिक और फौजी गलबात तो बाद कई खेतरां चों फौजियों नूं पिछे हटाउण की प्रक्रिया पूरी की है। रैली दौरान गांधी ने लेह स्थित शिखरली संस्था और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस नूं भी समर्थन दिता, जो संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत पूरा राज का दर्जा और सुरक्षा उपावों लई लड़ रहे हैं। गांधी ने कहा कि उन्हां दी पार्टी भाजपा नूं केंद्र शासित प्रदेश दी स्रोत अमीर जमीन अपने कारपोरेट मित्र नूं सौंपण दी इजाजत नहीं देवेगी।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੇਤਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਕਿ ਜੋ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਦਾਖ ਕੇ ਖੂਨ ਮੇਂ ਔਰ DNA ਮੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ, ਯੇ ਮਤ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਭਾਸ਼ਣ ਮੇਂ ਬਾਤ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। मोटरसाइकिल में मैंने पूरे लद्दाख का चक्कर काटा है और रास्ते में देश भर से हमारे लोग लेबर का काम करते हैं, बिहार से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग स्टेट से यहाँ लोग सड़क बनाने लेबर का काम करते हैं। और मैंने जानबूझ के इनसे सवाल पूछा, मैंने इनसे पूछा, देखिए आप यहां सर्दी में काम कर रहे हो, यूपी से आए हो, बिहार से आए हो, वहां पे इतनी सर्दी नहीं पड़ती, यहां पे -10-20 हो जाता है, आपको लद्दाख के लोग कैसे लगते हैं? क्या आपको लगता है कि यहां आप अकेले काम कर रहे हो या लद्दाख के लोग आपकी मदद करते हैं, आपको प्यार दिखाते हैं? मैंने उनसे पूछा और एक से नहीं, अनेक लेबरर्स से मैंने पूछा और सारे के सारे लेबरर्स ने मुझे बताया कि हम अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर हैं, हमारा परिवार यूपी में है, बिहार में है, मगर लद्दाख में हमें ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। यहां पे जो भी कठिनाई होती है, पत्थर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, सर्दी होती है, भूख लग जाती है, लद्दाख के लोग हमारी मदद करते हैं और जब भी हम उनके पास मदद के लिए जाते हैं वो एकदम हमारी मदद करते हैं। तो ये आपके DNA में है, आप एक साथ इज्जत के साथ बिना नफरत के रहते हो। और जो कांग्रेस पार्टी विचारधारा है वो आपके दिल के अंदर है। तो इस दौरे में आपने मुझे क्या बताया? सबसे पहले आपने बोला कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो आपकी राजनीतिक आवाज होनी चाहिए, जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स के लीडर होने चाहिए, वो आवाज आपकी दबाई जा रही है। आप जरूर यूनियन टेरिटरी बने मगर आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपको नहीं मिल रहे हैं। ये आपने पहली बात बोली। दूसरी बात आपने बोली कि जो रोजगार के वायदे आपसे किए गए थे वो वायदे झूठे थे और लद्दाख के कोने कोने में अगर किसी भी युवा से बात की जाए वो आपको कहेगा कि लद्दाख बेरोजगारी का एपिसेंटर है। तीसरी बात आपने बोली कि जो सेलफोन की कवरेज होनी चाहिए, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होना चाहिए,
वो नहीं है। यहां शायद आपने लोकल एयरपोर्ट की भी बात की कि यहां पे आपका एयरपोर्ट है मगर हवाई जहाज नहीं आता है, तो मैंने आपकी बात सुनने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और आपकी जो स्ट्रगल है, चाहे वो आपकी जमीन का मामला हो, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे वो आपका जो कल्चर है, आपकी जो भाषाएं हैं, उसकी रक्षा करने की बात हो, हम आपके साथ एक साथ खड़े हैं। यहां पे सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 21वीं सदी में सोलर एनर्जी की बात की जाती है और लद्दाख में सोलर एनर्जी की कोई कमी नहीं है। बीजेपी के लोग ये जानते हैं, समझते हैं कि अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो फिर वो आपसे आपकी जमीन नहीं छीन पाएगी। मामला जमीन का है और बीजेपी के लोग जो आपकी जमीन है आपसे लेना चाहते हैं, अदानी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहां लगाना चाहते हैं और उन प्रोजेक्ट्स का फायदा आपको नहीं दिलवाना चाहते हैं। हम ये कभी होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो ले की एपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है और इनकी जो डिमांड्स है उनका हमने पूरा समर्थन किया है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पेंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का एक इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। और आपका जो रोल रहा है, खासतौर से कारगिल का रोल रहा है, उसके बारे में भी मैं कहना चाहता हूं। जब भी हिंदुस्तान को आपकी जरूरत पड़ी है, जब भी बॉर्डर पे युद्ध हुआ है, तो कारगिल के लोग एक आवाज के साथ हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। यह आपकी हिस्ट्री है, यह आपने एक बार नहीं अनेक बार देश को दिखाया है, तो मैं इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं, अलग अलग जात के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग, हमारे लिए सब लोग एक हैं और इस देश में सब लोगों को इज्जत से मोहब्बत से रहना चाहिए। पंजाब दे राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने शुक्रवार नूं मुख्यमंत्री भगवंत मान ते पंजाब विच विगड़ रही अमन कानून दी स्थिति लई निशाना साध्या अते उन्हां नूं नशे दे फैले कारोबार ते उन्हां वल्लों कीती गई कारवाई बारे तुरंत रिपोर्ट भेजण लई कहा।
उन्होंने मुख्यमंत्री नूं उन्हां दीआं चिट्ठियां दा जवाब देण लई वी कहा है। मां नूं लिखे पत्र विच पुरोहित ने कहा कि उन्हां नूं पंजाब विच नशियां दी वध रही उपलब्धता ते दुरवरतों संबंधी वख-वख एजेंसियां तों रिपोर्टां मिलियां हन। ये आम जानकारी है कि वह कैमिस्ट दीआं दुकानां विच उपलब्ध हैं। यह नवा रुझान देखा गया है कि यह सरकारी कंट्रोल वाले शराब के ठेकों विच वेचे जा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ते चंडीगढ़ पुलिस ने हाल ही विच लुधियाना विच 66 शराब के ठेकों नूं सील किया है जो नशे वेच रहे सन। उन्होंने कहा कि संस्थी स्थाई कमेटी की ताज़ा रिपोर्ट विच कहा गया है कि पंजाब विच हर पांच विचों एक व्यक्ति नशे का शिकार या फिर आदी है। उन्होंने कहा कि यह तत्व पंजाब विच अमन कानून की व्यवस्था की इन्नी टुट भज वल इशारा करते हैं कि हुण पिंड वासियों ने वड्डी गिनती विच सड़कों ते आके रोस प्रदर्शन करना शुरू कर दिता है अते नशियां तो अपने आप नूं बचाउण लई पिंड बचाओ कमेटियां बनाउण दा फैसला किया है। मैं संविधानिक प्रणाली की असफलता बारे धारा 356 के तहत राष्ट्रपति नूं रिपोर्ट भेजण अते IPC की धारा 124 के तहत अपराधिक कार्रवाई शुरू करन बारे कोई फैसला लैण तों पहलां मैं तुहानूं मंगी गई लोड़ींदी जानकारी भेजण लई कहिंदा हाँ। उपरोक्त जिक्र किए गए मेरे पत्रां दे तहत जिवें कि राज विच नशियां दी समस्या बारे तुहाडे द्वारा चुके गए कदमां दे मामले विच जिस विच असफल रहण दी सूरत विच मेरे कोल कानून अते संविधान अनुसार कार्रवाई करन तों इलावा कोई चारा नहीं रहेगा। संविधान के तहत राज्यपाल ते लगाए गए फर्ज द्वारा मैं ये देखने लई पाबंद हाँ कि प्रशासन उस पद्धर ते चलाया जाता है जिसनों चंगा कुशल निरपक्ष अते ईमानदार मन्या जाएगा अते एक ही सरकार द्वारा दर्शाए प्रस्तावों के उल्ट नहीं हैं। इसलिए मैं तुहानू सलाह अते चेतावनी दिंदा हाँ अते तुहानू मेरे पत्रां दा जवाब देण अते मंगी गई जानकारी देण लई कहिंदा हाँ। इंडियन अंबैसडर अमेरिका तरनजीत सिंह संधु सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक हुए। इस दौरान उन्होंने सचखंड विखे इलाही बाणी का कीर्तन सुनिया अते सरबत दे भले की अरदास भी की। निजी तौर पर अमृतसर पहुंचे तरनजीत सिंह संधु ने कहा कि श्री हरिमंदर साहिब के दर्शन करके बेहद सुकून अते मानसिक शांति मिलती है। इस मौके तरनजीत सिंह संधु ने आख्या कि सचखंड श्री हरिमंदर साहिब समुची मनुखता लई आस्था का केंद्र है जिथों मनुख नूं रूहानी शक्ति मिलती है। वह भी हर साल गुरु साहिब का आशीर्वाद लैण लई सचखंड श्री हरिमंदर साहिब विखे नतमस्तक होण लई पुजदे हन। उन्हां कहा कि श्रोमणी कमेटी नाल उन्हां दे परिवार का गहरा रिश्ता है। जिहड़ा उस टाइम ते उन्हां ने ते उन्हां दे साथियों ने एजिटेट किया उहदा अज सारे असीं भाणा खा रहे हैं। 1926 सरदार तेजा सिंह समुंदरी की लाहौर जेल च डैथ हुई थी। सिख रिफॉर्म मूवमेंट दे वो एक तकड़े नेता रहे ने। SGPC उन्हां दे सैक्रीफाइस सारयां दे सैक्रीफाइस दे नाल बनी है। और तुहानू अगर थोड़ी हिस्टरी पढ़ीए आपां ते ये पता लगेगा कि सब तो पहला ऑलमोस्ट वर्ल्ड च विमेन नू वोटिंग राइट्स मिलिया सीगा ते SGPC एक्ट च मिलिया सीगा ईवन बिफोर ब्रिटिश वुमन नू राइट मिलिया। तो इस करके बड़ी रेवोल्यूशनरी और प्रोग्रेसिव हिस्टरी हैगी है। लेकिन हिस्टरी तो सानू प्रेजेंट च स्ट्रेंथ लेनी चाहिए है और फ्यूचरली यूज़ करनी चाहिए है। आजकल स्पेशली सिंस मैं अमरीका च हैगा तीन एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट ने पंजाब लिए इंडिया लिए भी हैगे ने। पहली है टेक्नोलॉजी। आज का वर्ल्ड जड़ा है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है और टेक्नोलॉजी च कई हिस्से हैगे ने। असी IT डिजिटल स्टार्टअप इनोवेशन सारे एरियाज च यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया दा रिलेशनशिप डीपन हो रहा है ते इहदे च पंजाब नूं भी बेनीफिट लेना चाहिए। जिहड़ियां इत्थों दियां यूनिवर्सिटीज़ ने जिहड़े इत्थों दियां एजुकेशन इंस्टीट्यूशनस ने मैं पहला भी चीफ मिनिस्टर साहब नाल भी गल कीती सी बाकी जिहड़े सैकटरी साहब नूं भी मैं अज मैनशन किया कि टेक्नोलॉजी जिहड़ी हैगी है ये इन्नी इंपॉर्टेंट है कि हर एक एरिया च टच करती है। फॉर एग्जाम्पल जिहड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस इत्थे ने उत्थों दे पंज बच्चियां नूं तुसीं एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट दिओ कि दरबार साहब च बहुत रश हुंदा है इहदे पंज सल्यूशन कढ के दसो। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਔਰ ਇਮਰਜਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ 5G 6G ਕੁਆਂਟਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ 'ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
इंस्टीट्यूशनल सैटअप बनी सी वह चंडीगढ़ च बनी सी। सो साड़ी पुरानी हिस्टरी च कई प्रोग्रेसिव स्टेप्स है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और सानू उदे ते फोकस करना चाहिए है। और उदे नाल टेक्नोलॉजी दे नाल एग्रीकल्चर भी जुड़ी है। जिहड़ा असीं एआई दा गल करदे आ, अजकल एआई एग्रीकल्चर दी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनपुट हैगी है। एआई दे थ्रू सानू क्रॉप्स दे बारे, उन्हां दे फ्यूचर दे बारे पता लग जांदा, वैदर दे बारे पता लग जांदा, उन्हूं यूटिलाइज करन दी जरूरत हैगी है। और तीसरा है एजुकेशन और नॉलेज पार्टनरशिप। साडियां पंजाब च कई यूनिवर्सिटीज़ हैगियां जिन्हां दे पुराने रिलेशनशिप सीगे, फॉर एग्जाम्पल पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उहदा रिलेशनशिप ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी दे नाल हैगा सीगा, जिहड़े अज सब तो वड्डे विद्वान ने एग्रीकल्चर दे, प्रोफेसर रतन लाल, वह पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे प्रोडक्ट हैगे ने। इस वेले उन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज मिलिया पिछले साल, तो वो ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से है। ये जिहड़े रिलेशनशिप्स ने ये डीपन करन दी जरूरत है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो अपनिया रिलेशनशिप्स रखनगियां। सो आ तीन एरियाज च कंस्ट्रक्टिवली मैं तुहाडे थ्रू सारयां नूं अपील करांगा कि इहदा फोकस ना छड्डिए, बाकी चीज़ां तो सब होंदियां रहिंदियां। इंडिया च कॉन्शियसनैस होई हुई है, पंजाब च भी बड़ी जरूरत है। मैं क्योंकि सारा कुछ देखदा हां और पंजाब नाल जुड़िया हां, एजुकेशन नाल जुड़िया हां, मेरे फादर इत्थे फाउंडर वाइस चांसलर सीगे, सरदार तेजा सिंह समुंदरी जिन्हां दी तुसीं मैंशन कीती है, 1915 च चार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस खुलियां, आज तो 110 साल पहला, मतलब कि उदों दी लीडरशिप दी कॉन्शियसनैस सीगी कि एजुकेशन की रोल प्ले कर सकता है और वो अज भी इंपॉर्टेंट है। आपां 100 साल दे बाद भी अगर असीं इहदे च ना इनवैसट करिए तो किसी होर नूं नहीं ब्लेम कर सकते, अपने आप।